भाई लोगों सब्सक्राइबर्स होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए जो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं अभी, अरे मेरी ही वीडियो लगा के बैठ के देख रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, इतना ज्यादा इन्होंने सुबह सुबह इतना बोर थे, अच्छे से सोने भी नहीं दिया इन्होंने। उठो उठो ओ बॉडीगार्ड, उठ 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 चल, उठ 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 गाड़ी की हालत देखो भाई। हम जा रहे हैं लुधियाना मेरे डॉक्टर के पास, किचलू नगर। डॉक्टर को चेकअप कराना था, 15 दिन के बाद उन्होंने बतलाया था, तो हम जा रहे हैं वापस। अभी हम रुके हैं डीवी यूनिवर्सिटी विशाल के पास। पहुंच गए फाइनली किचलू नगर। जब हम अनजान शहरों में आते हैं ना, तो गूगल मैप को रखना बहुत ही जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है गूगल मैप पे विश्वास करना। लेकिन हमारे घर वाले जो है वो ज्यादा विश्वास करते नहीं है, पर वो उनकी अपनी मर्जी है। दीप सिंह की क्लिनिक, सीनियर डॉक्टर है वो नहीं आ रहे हैं, जो उनके असिस्टेंट है वो देखेंगे आज। माऊ माऊ माऊ, तुमने पहचाना नहीं मेरे को? माऊ माऊ, फ्लाइंग बीस ने रखा हुआ है डॉग का नाम माऊ, ये भी हमारा माऊ है। माऊ माऊ, तेरे को कुछ खाने को मिला आज? पिछली बार आया था, इसको कुछ हमने खाने पीने के लिए दिया था। संदीप सिंह सिद्धू का इंतजार करते हुए मैं गौरव कुमार, कैमरा मैन गौरव कुमार के साथ। क्यों हैवीनेस हो रही है, इसको खत्म कर दो। हाँ अच्छा, अगर खाओगे आप ऑयली फूड वगैरह, तो ऑयली फूड में क्या होता है, घी होगा, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ अच्छा, आपकी हैवीनेस बढ़ेगी जी, कम नहीं होगी। हाँ, और किसी तो विटामिन डी मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है, तो फिश में मिलता है। हाँ फिश खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में कम होता है। अंडा खा, अंडे बॉईल करके खाने से। दो डब्बे ले लो, कोई हाँ एक टाइम कर देंगे ना, एक टाइम करो। डॉक्टर के असिस्टेंट जो था उसको हमने बताया, उसने ठीक ठीक बता ही दिया, जो भी नॉर्मल चीजें बताने वाली थी वो उसने बताई, जितना वो बता सकता था अपनी तरफ से, ठीक था, सेटिस्फाइड था। माऊ चपाती खा रहा है, माऊ चपाती खा रहा है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Yeh bhi university bahar ka juice. Milte hain juice peene ke baad. कैसा लगा जूस? एक नंबर एक नंबर दो नंबर एक नंबर मजेदार जूस। तो लखनपुर पहुंच गए हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं, अब रुके हैं, कुछ रिफ्रेश होते हैं यहाँ पर, थोड़े रिफ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं आगे के लिए। जाके साफ करने पड़ेगी गाड़ी, फिर से गंदी हो गई है बड़ी अंदर से ना, डस्टिंग वस्टिंग हो गई है। कोई नहीं, भाई करेगा साफ, हम करेंगे गाड़ी को सिर्फ चलाने का काम। जब से ये लीवर की प्रॉब्लम हुई है ना, जब से ये लीवर की प्रॉब्लम हुई है मेरे लुधियाना में, ये तीसरा चक्कर है इस महीने में, मतलब टूर कह सकते हो, टूर लग रहे हैं हमारे। बचपन में शकला का बुबू वाला शो आता था ना, तो उसमें एक जो पेंसिल उसकी होती थी, तो वो पेंसिल ना यहाँ से लखनपुर से मिलती थी। मैं आपको बताता हूँ, ये पेट्रोल पंप देख रहे हो आप, ये पेट्रोल पंप है ना, इस पेट्रोल पंप के साथ में दुकान थी, तो यहाँ पर वो
दुकान एक है वहाँ पर बहुत ही बड़ी सी मतलब 1.5 फुट की पेंसिल जो है वो मिलती थी, बहुत महंगी देता था। फाइनली गाइज, फाइनली 12 घंटों के सफर के बाद घर पहुंच गए। इस बार इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं हुई, पिछली बार ज्यादा हालत खराब हुई, शायद इसलिए क्योंकि इस बार गाड़ी मैंने चलाई थी। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा तो ब्लॉग को लाइक करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।